सब्सक्राइब कीजिए सबका हेल्प यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का सबका हेल्प यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीमारी के समय प्रयोग होने वाले डिस्पोजेबल सिरिंज की। दोस्तों डिस्पोजेबल सिरिंज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कौन कौन से रॉ मटेरियल और कौन कौन से मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स लगेंगे इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे सभी बिजनेस अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों डिस्पोजेबल सिरिंज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करके आप बहुत अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में इतनी बीमारियाँ हो गई हैं कि जब भी प्लास्टिक सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है तो नई सिरिंज का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि संक्रमण से होने वाले रोगों से बचा जा सके। इसके अलावा एड्स जैसे भयंकर बीमारी के चलते डिस्पोजेबल सिरिंज का दोबारा उपयोग बंद कर दिया गया है, इसलिए हर मेडिकल शॉप क्लिनिक और हॉस्पिटल में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल प्रयोग में लाए जाएंगे। दोस्तों इसमें प्रयोग होने वाले रॉ मटेरियल जो हैं वो हैं पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक के दाने, एथिलीन ऑक्साइड, पैकिंग पेपर, पैकिंग बॉक्सेज, रबर गैस्केट्स, निडल, प्रिंटिंग इंक। दोस्तों अब डिस्पोजेबल सिरिंज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगने वाले मशीनरी और जो इक्विपमेंट्स हैं वो इस प्रकार से हैं: इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, स्टेरिलाइजेशन प्लांट, पैकिंग मशीन, ऑटोमेटिक असेंबल मशीन, स्क्रैप ग्राइंडिंग मशीन, वेइंग मशीन, एयर कंप्रेसर, वाटर पंप, चिलिंग प्लांट, और 2 ml, 5 ml, 10 ml, 50 ml के सिरिंज तैयार करने के लिए मोल्ड बैरल और प्लंगर। तो दोस्तों ये थे मशीनरी और उपकरण। दोस्तों डिस्पोजेबल सिरिंज मैन्युफैक्चरिंग में पॉलीप्रोपाइलीन के दानों को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में लगे होपर में डाला जाता है। इसके बाद मशीन उत्पादन संबंधी विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे क्लैंपिंग फोर्स, तापमान, रॉ मटेरियल की मात्रा एवं इंजेक्शन प्रेशर मशीन द्वारा स्वतः ही नियंत्रित किया जाता है। गुणवत्ता का निरीक्षण करने के बाद इस पर प्रिंटिंग की जाती है। इसके बाद दोस्तों संपूर्ण असेंबल किए गए उत्पादों को स्टेरिलाइजेशन प्लांट में एथिलीन ऑक्साइड यूज करके स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस यानी जीवाणु रहित प्रक्रिया अपनाकर इसकी पैकिंग की जाती है। दोस्तों डिस्पोजेबल सिरिंज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चिकित्सकीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ बिजनेस है, इसलिए इसे स्टार्ट कर रहे उद्यमी को ड्रग लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, और डिस्पोजेबल सिरिंज की मैन्युफैक्चरिंग ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशंस के अनुरूप करना अनिवार्य होता है। दोस्तों अब बात आती है इसके मार्केटिंग की, आप मार्केटिंग कहाँ करेंगे। तो दोस्तों इसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स पर दे सकते हैं, और जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ दे सकते हैं, मेडिकल शॉप पर आप दे सकते हैं, और अदर कंट्रीज में आप इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों रही बात मशीनों के प्राइस की, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सप्लायर के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे और आप उनसे कॉन्टैक्ट करके ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।